एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान रियाज चौधरी और इस वक्त हम राजौरी पीजी कॉलेज के सामने हैं, जहाँ पे बच्चों ने सड़क बंद करके एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। ये इस वक्त की जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये पीजी कॉलेज के ये हैं, जहाँ पे जो पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तुलबा हैं जो वो सड़क बंद करके जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ मुतालबात है इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम इरफान खान फारूकी है। मैं मसला है आपने सड़क क्यों बंद की? सर मैं आपको पूरे तरीके से मसला बताता हूँ। मसला ये है कि हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक एहतजाज जो है वो प्रोटेस्ट किया है। हमने प्रोटेस्ट का पूरा मसला ये है कि 2022 में जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंडर हमारे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुई है। एडमिशन की डेट मैं आपको बताऊं, 1 अगस्त को फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुई थी, 15 अगस्त से क्लासेस लगी हैं। 15 अगस्त से हम आज तक सोचें तो 5 महीने या 6 महीने हो चुके हैं। 5-6 महीने ये सिलेबस पढ़ाने के बावजूद अब रोज एक नया नोटिस निकालते हैं कि आज आपकी हिस्ट्री है, दूसरे दिन एक नोटिस आता है कि आपकी हिस्ट्री कट गई है जी, आपकी पॉलिटिकल आ गई है। मैं आपको बताऊं कि हमारी असाइनमेंट हो चुकी है, हमें सब कुछ हो चुका है, नोट्स बन चुके, हमने पढ़ लिया, किताबें खरीद ली। गरीब गुरबा लोग हैं यहाँ पे, एक दिन ये बोलते हैं आपकी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री की नोट बुक खरीदते हैं, बुक 300 या 400 की आती है, दूसरे दिन एक नोटिस आता है कि आपकी हिस्ट्री है ही नहीं है। आप बताओ हमारा क्या होगा? ये जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ये वक्तन फवक्तन हम स्टूडेंट के साथ जो है खिलवाड़ करती है, हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करती है। मैं आपको बताऊं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है 555 यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी से आवाज नहीं उठती, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हर दूसरे दिन आवाज उठती है। सबसे बड़ा मसला कितने रोज से प्रोटेस्ट कर सर, हमने इनको लेटर भेजे, हमने इनको मेल भेजे, लेकिन आज ये पहला प्रोटेस्ट है जो हम ऑन रोड उतरे हैं। ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की आवाज है, ये आवाज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हर कॉलेज से उठेगी। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को सर ये बस हर दिन हमारे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अब हमारा एग्जाम आ गए, आप खुद बताओ हम एग्जाम देंगे क्या? हमने मतलब 2-3 दिन हमें हर सब्जेक्ट की किताबें नहीं है, कभी एक दिन कोई बताते हैं, दूसरे दिन कोई बताते हैं, और उसके 2 दिन नोट्स भी निकाल लिए, अब हम क्या करें, हम एग्जाम क्या देंगे? सुबील सर मसला यही है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये दिन ब दिन चेंज होते हैं। सर हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है और हमारे सब्जेक्ट चेंज कर दिए, अब आप बताओ हम क्या करें सर? और हम सर हम फर्स्ट सेमेस्टर के, और हमारे पहले हमें दिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और ये आधे साल के बाद बोलते हैं कि आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और वो चेंज करके अब फिर बोलते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एनवायरनमेंट है, और हम क्या करें सर? हमारे जो है अगर हम आधा कुछ पढ़ते हैं किसी भी सिलेबस कंप्लीट है, और जब आधा सिलेबस कंप्लीट होता है फिर दूसरा सब्जेक्ट। मेरा नाम तारिक मीम है। रोज दूसरे दिन ये सिलेबस, चलो माना हमने पहली बार सिलेबस नहीं चेंज कर दिया, दूसरी बार फिर ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं, फिर हमने 2-3 बार बुक ले ली है, 2-3 बार नोट निकलवा दिए, अब ये कौन से इनका रोज दूसरा नया रूल हुआ? आगे लाओ। हमारी मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे जितना भी बच्चों का जो फ्यूचर खराब हो रहा है उसको मत किया जाए, हमारे साथ इन्होंने बहुत ज्यादा किया, हमारे आधे से ज्यादा बच्चे जो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं लगाने के लिए, उन्होंने एक बार अलग किताबें खरीदी, दूसरी बार अलग किताबें खरीदी, क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे? ऊपर से हमारे एग्जाम आने वाले दिसंबर में, अभी तक हमारे सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, 1 महीने बाद हमें सब्जेक्ट चेंज कर देती है। किस तरह से जो है वो नारेबाजी जो है वो की, तुम्हें काम करो, तुम्हें काम करो, क्या कहना? देखिए आज जो ये स्टूडेंट सड़कों में आए हैं इनकी वजह ही यही है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और जम्मू यूनिवर्सिटी ने काफी नाइंसाफी इन बच्चों के साथ की है। अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज इन्होंने एडमिशन ली है, और जम्मू यूनिवर्सिटी इनको हर महीने के बाद नोटिस निकालती है कि सब्जेक्ट चेंज करो, और अपनी मनमानी करके इन बच्चों के सब्जेक्ट चेंज करती है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अभी नए नए कॉलेज में आए हैं, उनको इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि अभी आधे बच्चों का जो है सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब उनका नोटिस आया कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। जिन जिन ने पढ़ा हुआ है, जिन जिन ने वो सब्जेक्ट की तैयारी की हुई है, आगे 1-2 महीने बाद जो है एग्जाम आ जाएंगे, और जम्मू यूनिवर्सिटी को बच्चों का ना ख्याल करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर उनको सब्जेक्ट चेंज ही कराने थे तो वो स्टार्टिंग में जब एडमिशन हुई थी तब वो चेंज कराने चाहिए थे। मुझे लगता है VC साहब जो है वो, अगर आपकी मांग ना मानी गई तो फिर अभी आपने ये ट्रेलर देखा है, अगर यहाँ मांग नहीं मानेगी हम सड़कों पे बैठ जाएंगे, और रात को, और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, आपने हाल ही में देखा था जब ऑनलाइन का नोटिस जब तक नहीं निकला था हम यहाँ बैठे हुए थे, जब तक ऑनलाइन का नोटिस नहीं आ जाता था तब तक हम यहीं बैठे हुए थे और हमारा एहतजाज जारी था। आज जो है
हम यहाँ पर सड़कों पे आए हैं और अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, हम जम्मू यूनिवर्सिटी को ये सीधा सीधा बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे और जब तक हमारे हमारे हक में फैसला नहीं किया जाएगा, हम तब तक जो है यहाँ से उठने वाले नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सड़क बंद करके जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के है जो है उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। और इनका ये कहना है कि जिस तरह से लगातार जो फर्स्ट सेम के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके जो है वो आए दिन जो है वो यहाँ पे उनके सब्जेक्ट जो है वो चेंज किए जाते हैं और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ये जम्मू राजौरी में जो है पीजी कॉलेज में इम्तहानात है और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो यहाँ पे परेशान है और सड़कों के ऊपर जो है वो इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज सड़क बंद करके, पीछे के मनासर में आपको बताना चाहूँगा कि सड़क बंद करके ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, ये एहतजाज किया जा रहा है और लगातार जो है वो जस्टिस के जो है वो नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये पीजी कॉलेज इस वक्त राजौरी और तुलबा का कहना है कि अभी राजौरी में जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सामने आए हैं, आने वाले दिनों में बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो है वो सड़कों के ऊपर हो जाएंगे आ जाएंगे और इंतजामिया को यानी कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जो है वो मजबूरन जो है वो उनके हकूक को मानना होगा। लेकिन उससे पहले ही इंतजामिया को चाहिए कि बच्चों जो सड़क के ऊपर आ चुके हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए ताकि ये बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई को बर वक्त जो है वो मुकम्मल कर सके। ये इस वक्त की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर पीजी कॉलेज राजौरी के सामने की है जहाँ पे पीजी कॉलेज राजौरी के तुलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं सड़क बंद करके। काफ़ी गाड़ियाँ भी जो है वो इस दौरान देखी गई है कि एक लंबी कतार में फंस चुकी है और तुलबा जो है वो अपने मांगों को लेकर सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लियाकत अली के साथ मैं हूँ रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।